सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी को दिया संदेश, कहा महाराष्ट्र की भलाई के लिए शिवसेना देगी समर्थन। मुख्यमंत्री पर भी शिवसेना के रुख में नरमी, कहा मोदी अमित शाह तय करे कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री की चाय पार्टी में भी महाराष्ट्र की तस्वीर पर बना हुआ था सस्पेंस, शिवसेना के सांसदों के शामिल होने के बाद भी महाराष्ट्र के मुद्दे पर नहीं बन सकी थी कोई बात। चाय पार्टी के बाद शिवसेना के रुख में आई नरमी, शिवसेना सांसद अनंत गीते ने कहा लोगों का जनादेश बीजेपी शिवसेना के पक्ष में। महाराष्ट्र के हित में यह अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को। भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, दो नंबर में शिवसेना है, तो महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का मिलकर सरकार बने। 28 अक्टूबर को सुलझ सकता है महाराष्ट्र का सियासी पेच, पर्यवेक्षक राजनाथ, जेपी नड्डा 28 को जाएंगे मुंबई, बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। बैठक से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए जोर आजमाइश का अंतिम दौर, एकनाथ खड़से ने फिर जताई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा। चाय पार्टी पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा, प्रधानमंत्री बोले गरीब हैं योजनाओं के केंद्र में। लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसदों को किया संबोधित, सूत्रों के अनुसार आडवाणी ने सांसदों को प्रेरित किया, सरकार के कामकाज की तारीफ की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई से लेकर स्वच्छता से लेकर के किस तरह से सांसद एक बड़े परिवर्तन का केंद्र बिंदु बन सकता है उस पर उन्होंने अपनी चर्चा रखी। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस विधायकों की बैठक, चुना जाएगा नेता, 24 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। हरियाणा में नई नई बनी खट्टर सरकार का आज पहला दिन, मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनते ही बड़ी वाड्रा की मुश्किल, मंत्री बनते ही बोले कैप्टन अभिमन्यू सरकार बनाएगी जांच कमेटी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। वाड्रा जमीन सौदे पर बोले मनोहर लाल खट्टर सहयोगियों से चर्चा करके उठाऊंगा उचित कदम। करप्शन का बहुत बड़ा मामला था, क्या वो केस दोबारा खोला जाएगा? सब बातें होंगी निश्चित समय पर होंगी, थोड़ा हम अपने साथियों साथ बैठकर विचार करें। झारखंड में तेज हुई चुनावी सरगर्मियां, सुबोध कांत सहाय ने कहा राज्य में कांग्रेस हाईकमान को आना चाहिए प्रचार करने। सुबोध कांत सहाय ने राहुल को लेकर की टिप्पणी, सोशल ब्रीजिंग यानी गरीबों से रिश्ता जोड़ने का कर रहे हैं काम, लेकिन अभी पॉलिटिकल मोड में नहीं आए। कि मोदी वेव में ये स्वराज के बर्बादी का जिम्मा भी भाजपा का है, मोदी उसके नेता है उनका है, इसलिए इस राज में पॉकेट का पॉलिटिक्स है। आज संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक, वेंकैया नायडू बैठक में करेंगे शीत सत्र के कार्यक्रम का फैसला। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक आज दिल्ली के विज्ञान भवन में, जल संसाधन मंत्री उमा भारती बैठक में होंगी शामिल। पश्चिम बंगाल के वर्धमान ब्लास्ट का जायजा लेने कोलकाता पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, IBNSG प्रमुख के साथ जाएंगे वर्धमान। आधार कार्ड पर सरकार का यू टर्न, गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, आधार कार्ड को बताया अहम, कहा फर्जीवाड़ा रोकने में मददगार है आधार कार्ड। लोकसभा सचिवालय को 401 सांसदों ने अभी तक नहीं दिया अपनी संपत्ति का ब्यौरा, RTI से मांगी गई जानकारी से हुआ खुलासा। शपथ के 90 दिनों के अंदर देना होता है संपत्ति का ब्यौरा, न देने वालों में सोनिया, राहुल, आडवाणी, राजनाथ, गडकरी, सुषमा, उमा के साथ मुलायम का नाम। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी सेना का प्रदर्शन, कार्यालय धन के सभी खाता धारकों के नाम बताने की मांग।
शिवसेना ने हिंदुओं की तादाद बढ़ाने के लिए गैस ऑफर की खबर को बताया गलत, कहा यूपी में 10 बच्चे पैदा करने वालों को पैसा देने की खबर है झूठी, लेकिन यूपी के शिवसेना नेता बता रहे हैं जरूरी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पर विशेष ट्रेन नहीं चलाए जाने का उठाया मुद्दा, कहा आस्था के सबसे बड़े पर्व पर लोग परेशान, केंद्र सरकार है अनजान। आरजेडी का आरोप, कहा रेलवे ने जनता को महज सब्जबाग दिखाया, छठ जैसे पर्व पर भी नहीं की कोई तैयारी। दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम बुखारी पर हुआ हमला, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। नमाज के दौरान हमले की कोशिश, बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है आरोपी, एसआईटी कर रही है जांच। के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरे कपड़े गीले हो गए, फिर बाद में स्मेल आई मुझे कि ये तेल डाला गया है। चंद ही सेकेंड के बाद फिर एक बॉटल आई जिसमें तेल भरा हुआ था, पीछे से एक चीखने की आवाज भी आई। दिल्ली के शास्त्री पार्क के पास झुग्गियों में आग, खाक हुई 25 से ज्यादा झुग्गियां, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, बुझाई आग। झांसी में रेलवे डीजल शेड की पटरियों के पास फैले डीजल में लगी आग, आसपास के इलाकों में हड़कंप। झांसी में मजदूरी मांगने पर दो दलितों के साथ दुरंधगी, बुरी तरह से जख्मी हैं मजदूर, घर में रंगाई पुताई का काम कर रहे थे, 5,000 रुपए बाकी थे। राजस्थान के उदयपुर में मां पर बेटी की हत्या का आरोप, 2 साल की बच्ची को कुएं में फेंका, गिरफ्तारी के बाद कबूल किया अपना अपराध, तीसरी बेटी होने से थी परेशान। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ज्वेलरी की दुकान में लूट, 10 मिनट के अंदर सारा सामान लेकर फरार हुए, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर इलाके से बरामद हुए गाजियाबाद नगर निगम के कर्मचारी प्रवीण शर्मा की लाश, गोली मारकर की गई हत्या, परिवार ने लगाया अपहरण और हत्या का 4 युवकों पर आरोप। पुणे के करीब पिंपरी में पंखे से लटक कर पति ने दी जान, खुदकुशी से पहले पत्नी पर किया जानलेवा हमला। झारखंड के सिमडेगा में एंथ्रेक्स बीमारी को लेकर हड़कंप, एक ही गांव के 7 लोगों की मौत। हुदहुद के बाद अब नीलोफर तूफान ने बढ़ाई चिंता, गुजरात में समुद्री तट से नीलोफर के टकराने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया दौरे के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से मांगे विचार, ट्वीट पर लिखा माय गवर्नमेंट वेबसाइट पर मुख्य मुद्दों पर दे राय। दुबई में खेली जा रही सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 221 रनों से हराया, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में सैफ करीना ने पोलो में आजमाए हाथ, प्रतियोगिता के दौरान अंत तक रहे। कराची में हुए शूटआउट में 9 संदिग्ध तालिबानियों की मौत, सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़।